झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 1,000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में कल यानी गुरुवार को ईडी ने करीब 10 घंटे तक लंबी पूछताछ की थी। इस सब के बीच ईडी की अगली कार्रवाई को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। ऐसी संभावना है कि ईडी की टीम उनसे शुक्रवार को भी पूछताछ कर सकती है। इसी बीच सीएम आवास के पास आज यानी शुक्रवार को भारी संख्या में हेमंत सोरेन के समर्थकों और कार्यकर्ताओं का जुटान लगा रहा, साथ में सत्ता पक्ष के विधायकों का भी जुटान लगा रहा। सीएम हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री आवास में समर्थकों व कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में हेमंत सोरेन ने कहा कि एक एक आदमी घर से निकले, साजिश का पर्दाफाश करें, झारखंड के लोग झुकना नहीं जानते, कोई हमें गोली बंदूक से नहीं डरा सकता। हेमंत सोरेन ने गुरुवार को ईडी से हुई पूछताछ को लेकर चर्चा करते हुए कहा कि मैंने पूछा जो आरोप लगाया क्या 2 साल का है, उन्होंने कहा नहीं पहले का भी है, हमने पूरे सहयोग की बात कही, दूध का दूध पानी का पानी करने को कहा, हमें जांच से गुरेज नहीं। वहीं सुनिए हेमंत सोरेन के समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने क्या कहा। सरकार जो बनाए है गरीब आदिवासी जनता ने, तो ये बात मोदी को नहीं हजम हो रहा है, तरह तरह का शतरंज रख के उसको फंसाना चाह रहे हैं। ये गरीब का हित में काम कर रहे हैं और अच्छा सीएम है और रहेंगे। अब क्या गलती है तो ईडी जाने और वो जाने, वो बात हम नहीं जान रहे। ईडी और हेमंत बाबू जाने, दोनों का मैटर है तो दोनों जानते हैं। हम लोग आए हैं पार्टी का कार्यक्रम लेकर। अभी हम लोग यहाँ जो इतना हमारे जो हम लोग उसके कार्यकर्ता के रूप में उसको आभार देने के लिए आए हैं। और ये रस्सी लगा हुआ है, आगे के लोग बैठे हैं, पीछे थोड़ा थोड़ा चाहिए। संबोधन यहाँ से होगा, आगे हमारी जो महिलाएं हैं आगे बढ़ने का कोशिश करना है। इस सरकार ने ओबीसी का आरक्षण को 27% कर दिया है। जनता के हित में वर्तमान में मौजूदा सरकार बहुत अच्छा से कर रहे हैं, उसी को आभार देने के हम लोग पूरे गुड्डा जिला पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा कमेटी से हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि उसको नरेंद्र मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को समझ में आए कि मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं उसके समर्थन में कितना ईडी कार्रवाई कर रही है। हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, उसको बर्दाश्त नहीं हो रही है। गैर बीजेपी की सरकार है, आदिवासी और गैर आदिवासी की काम अच्छा करते हैं, झारखंड वासियों का काम अच्छा कर रही है। ये गंजड़ी तो कहता था लूटने के लिए, आदिवासी का पुत्र है हेमंत सोरेन, गरीब का काम कर रहे हैं, ये चीज देख करके सेंट्रल मोदी जी को हजम नहीं हो रहा, तरह तरह का इसको फंसाने का चल रहे हैं और ये जनता इनके साथ है। अगर ये बंद हुआ तो आने वाला टाइम में भाजपा का टुकड़ा साफ हो जाएगा। भाजपा सरकार झारखंड में नहीं चलेगा, यहाँ जब भी चलेगा तो झारखंड के, और यहाँ आदिवासी की सरकार रहेगा तो रहेगा, आदिवासी दाल लड़ाने के लिए नहीं रहेगा, दाल उगरा रहे हैं केंद्र जी, ऐसा नहीं होगा। झारखंड में जब भी रहेगा तो झारखंडी निवासी रहेगा और झारखंड का नेता ही रहना चाहिए, जब भी रहेंगे तो हेमंत सरकार रहेंगे और दूसरे कोई नहीं रहेगा झारखंड में। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।